हाउ कैन वी मैनेज लव एंड रिलेशनशिप विदाउट बीइंग अटैच्ड टू अ पर्सन। असल में ये चीज़ कहीं ना कहीं पॉसिबल है ही नहीं, जब तक कि हम कहीं ना कहीं गहरे में किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होते, तब तक आप जो है प्रेम कहाँ से कर लोगे। जब तक कि आप किसी के करीब नहीं आते, जब तक कि आप किसी के साथ जो है अटैच नहीं होते, बहुत स्वाभाविक है कि प्रेम के अंदर जो है एक अटैचमेंट जो है बहुत नेचुरली जो है किसी के लिए क्रिएट हो जाती है। क्या आप दूर से किसी को प्रेम कर सकते हो? जब किसी से प्रेम होगा तो आप उसका हाथ भी पकड़ना चाहोगे, उसको गले भी लगाना चाहोगे, उसका आलिंगन करना चाहोगे। तो जब ये होगा तो अटैचमेंट तो बहुत स्वाभाविक ढंग से जो है किसी के साथ घटी जाएगी। अटैचमेंट जो है कहीं ना कहीं अगर हम अटैचमेंट का अगर हम डर रखेंगे तो प्रेम भी नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बहुत नेचुरल है कि अटैचमेंट तो होगी ही होगी, उसके उसके उसको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन एक चीज जरूर कर सकते हैं, उस अटैचमेंट के साथ एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। अगर वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए तो जब पेन अगर होगा तो आप जो है उससे कहीं ना कहीं दूर खड़े होकर उसको देख सकेंगे। रिलेशनशिप में जो है जो इश्यूज जो आते हैं जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं पेन क्रिएट होता है, वो आपकी अटैचमेंट के कारण। तो अटैचमेंट से डरो मत, अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करो, उसकी चिंता मत करो कि तुम जो है अटैच हो जाओगे। जितना प्रेम अगर तुम्हारा गहरा होगा, अटैचमेंट भी तो उतनी ही गहरी होगी। तो इस बात की फिक्र छोड़ो कि अटैचमेंट जो है तुम्हें, अटैचमेंट के कारण तुम्हें जो है पेन हो जाएगा, बल्कि इसलिए जो है कहीं ना कहीं प्रेम के साथ जो है जो पेन जो है जो जिसको हम दर्द कहें, जिसको हम दुख दर्द कहें, वो कहीं ना कहीं साथ में जुड़ा होता है। दोनों कहीं ना कहीं इकट्ठे हैं, दोनों का कहीं ना कहीं जो है एक जोड़ है। हम कहीं ना कहीं सोचते हैं प्रेम में बस अच्छा ही अच्छा है, कोई दुख नहीं मिलेगा। दुख तो कहीं ना कहीं प्रेम का एक हिस्सा है, और जितना गहरा प्रेम होगा उतना ही दुख भी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन यही दुख अगर हम उसके साथ लड़े नहीं, उसको स्वीकार करें, उसको पूरी तरह से स्वीकार कर लें उस दुख को भी, तो ये जीवन को बदल सकता है, जीवन को कहीं ना कहीं आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अभी श्री रतन टाटा जी जो है कहीं ना कहीं उनका भी देहांत हुआ है। कहानी कितनी सच्ची है मुझे पता नहीं है, लेकिन जहां तक सुनने में आया था कि उनका जो है एक लव अफेयर था किसी के साथ, और किसी कारण से जो है जब वो इंडिया में वापस आ रहे थे तो फिर वो लड़की को चाहते थे कि वो भी उनके साथ आ जाए, जो कि वो नहीं आई। और लेकिन प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने जो है उस बात को वैसे ही स्वीकार किया जैसे जैसी वो चीजें हैं, और वो प्रेम इतना गहरा हुआ कि उसके बाद फिर वो जो है वो कहीं ना कहीं उनको ट्रांसफॉर्म कर गया। और अगर आप देखो, अगर उनकी पर्सनालिटी देखो, अगर जिस तरह से वो अपनी लाइफ में वो बन गए, बिजनेसमैन की कभी इतनी रिस्पेक्ट नहीं हुई जितनी श्री रतन टाटा जी की हुई। वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक जीवित संत हो गए, एक ऐसे बिजनेसमैन लेकिन साथ में संत भी। क्या हुआ? कहीं ना कहीं प्रेम ने जो है कहीं ना कहीं उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया, लव ने ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्या हुआ? पेन को उन्होंने स्वीकार कर लिया,
आपको क्या लगता है, अटैचमेंट नहीं होगी? अटैचमेंट थी तभी तो पेन था, और उसी पेन के कारण जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन भीतर से घट गई। तो अटैचमेंट से मत डरो, और जितना प्रेम को गहरा कर सकते हो उसको उसके अंदर जो है और गहरा जाओ। और जब प्रेम और जब पेन का समय आए, जब दर्द का समय आए, जब दुख का समय आए, तो उसको स्वीकार कर लो। यही दुख जो है तुम्हारे को ट्रांसफॉर्म कर देगा, बदल देगा, तुम्हारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा। नमस्ते। इस चैनल को और हमारे काम को सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपनी पसंद की मेंबरशिप लेवल चुनें। आपके समर्थन से हमें बेहतर कंटेंट बनाने और हमारी कम्युनिटी को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमारे साथ जुड़ें और हमारे सफर का हिस्सा बनें। प्रणाम।